तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है विशेष सेगमेंट आपका संसदीय क्षेत्र में। हम हर दिन संसदीय क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज बात भिंड संसदीय क्षेत्र की करते हैं। चंबल के बीहड़ में बसे भिंड संसदीय क्षेत्र में भिंड और दतिया जिले शामिल हैं। यूपी से सीमा जुड़े से जो होने के कारण इस संसदीय सीट पर पड़ोसी राज्य की राजनीतिक स्थिति का असर भी देखा जाता है। भिंड संसदीय सीट पर कांग्रेस ने जहां देवाशीष जरारिया को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है, तो वहीं भाजपा ने भी यहां से अपने निवर्तमान सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद के स्थान पर संध्या राय को टिकट दे दिया है। इस संसदीय सीट को बीजेपी की परंपरागत सीट माना जाता है। पिछले 3 वर्ष से यहां पर कांग्रेस कभी जीत नहीं सकी है। यही कारण है कि इस सीट पर कांग्रेस अपना पूरा जोर इस बार लगा रही है। आइए नजर डाल लेते हैं यहां की राजनीतिक परिस्थितियों और मतदाताओं के प्रमुख मुद्दों पर। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में सरगर्मियां चरम पर हैं। प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 3रे चरण में भिंड संसदीय सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चंबल के बीहड़ों के लिए देश भर में अपनी खास पहचान रखने वाले भिंड संसदीय क्षेत्र की राजनीति महत्वपूर्ण है। बागियों के आतंक को अलग कर दिया जाए तो इस जिले के युवाओं ने देश की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भिंड लोकसभा सीट के अंतर्गत भिंड और दतिया जिलों की 8 सीटें आती हैं। इनमें अटेर, भिंड, लहार, मेहगांव, गोहद, सेवड़ा, भांडेर और दतिया विधानसभा सीटें शामिल हैं। भिंड संसदीय सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस पर बीते 30 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है। 2009 में भिंड दतिया लोकसभा सीट सी को आरक्षित कर दी गई थी, जिसके बाद 2009 में अशोक अर्गल और 2014 में डॉक्टर भागीरथ प्रसाद इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संध्या राय को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा सीट से युवा नेता देवाशीष जरारिया को मैदान में उतारा है। क्षेत्र के विकास को लेकर दोनों ही पार्टी के नेता अपनी प्रतिबद्धता जता रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। जो भी योजना है केंद्र की, कुल निचले स्तर तक है। जिस तरह महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, पहले हम देखते थे महिलाएं चूके चूल्हे पर, कहीं कहीं आंखें तबियत दिक्कत होती थी, आंखों में कई बीमारियां हो जाती थी, धुआं अगर आंतों के अंदर जा रहा है तो तमाम तरह की बीमारियां हो जाती थी। लेकिन आज हमारी माताएं बहनें हर घर में गैस पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं माताएं बहनें प्रसन्न है और उसी का नतीजा है कि आज भिंड और दतिया में लोकसभा का जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है एक महिला है। तो सबसे पहले तो मैं अपने केंद्र के नेतृत्व को, अपने प्रदेश के नेतृत्व को, अपने संभाग के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक बहन को ये जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। यहाँ का जो व्यक्ति है, मतलब जो के पास इतना हिल्ला पानी है, इतना पैसा है कि वो बाहर रहना अफोर्ड कर सकता है, वो यहाँ रुकना नहीं चाह रहा है। इसके लिए कारण यह है कि 30-35 वर्षों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उनका बेहद अभाव है। यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य संस्थान नहीं है, जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है। तो मेरा मकसद यही रहेगा कि युवाओं को रोजगार के साधन यहाँ पर मुहैया कराए जाएँ, यहाँ पर अच्छे स्कूल हों, अच्छे कॉलेज खुले, ताकि जो ब्रेन ड्रेन जो भिंड जतिया क्षेत्र का जो हो रहा है, जिसकी वजह से उसका विकास रुका हुआ है, ये इसको विकास की गति पे आगे बढ़ाया जा सके। कभी बीहड़ की दुर्गमताओं के लिए अपनी पहचान रखने वाला भिंड संसदीय क्षेत्र अब विकास की रफ्तार पर बढ़ रहा है। यूपी की सीमा से सटे इस संसदीय क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दा रहा है। यहाँ पर दूध और परंपरागत कृषि फसलों का प्रमुख तौर पर उत्पादन किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं न होने के कारण लोग परेशान होते हैं। मतदाता बुनियादी समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रवाद, सीमा की सुरक्षा और देश को सर्वोपरि रखने की बात करते हैं। जो देश की सोचेगा, देश के बारे में बात करेगा, देश के विकास के बारे में, राष्ट्रवाद की बात करेगा, वोट उसी को होगा। शिक्षा सबसे बड़ा बहुत मुद्दा है, कम से कम भिंड जिले के लिए तो शिक्षा इस प्रकार का मुद्दा है कि शिक्षा भिंड में नहीं होगी अभी तक ये वीरान पड़ा रहेगा देश। विकास मुद्दे पे ही लड़ेंगे, नहीं हमारे जिले में और भिंड दतिया में नहीं होगा विकास तो वोट नहीं करेंगे। भिंड संसदीय क्षेत्र के लिए मतदाता जागरूकता को लेकर व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले में मतदाताओं को वोटिंग का महत्व बताने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के तत्वावधान में विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में रंगोली, मेहंदी, नुक्कड़ नाटक, रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलश यात्रा निकालकर और पीले चावल देकर मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हर नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में सुव्यवस्थित मतदान की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भिंड संसदीय क्षेत्र के लिए आगामी 12 मई को मतदान आयोजित किया जाना है। बीहड़ों के बीच बसे भिंड संसदीय क्षेत्र के नागरिक अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर मतदान करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन व्यापक इंतजाम कर रहा है। उम्मीद है आयोग के ये प्रयास चंबल के बीहड़ में बसे मतदाताओं को अधिकतम मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। भिंड से प्रदीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल।